गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पहला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक है जॉइंट वेंचर एंड बीओटी प्रोजेक्ट्स। जॉइंट वेंचर एंड बीओटी प्रोजेक्ट, तो अपन जॉइंट वेंचर क्या होते हैं और बीओटी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। बिल्ड ऑपरेट जो बीओटी प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, क्या कैसे बनते हैं, क्या काम आते हैं, इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट यानी जॉइंट ही हो गया, दो कंपनी या दो वेन्यूज हैं या दो किसी भी चीज़ को जोड़ना या दो से ज़्यादा को, ठीक है। तो ए जॉइंट वेंचर इज व्हेन टू और मोर कंपनीज परफॉर्म ए बिजनेस प्रोजेक्ट टुगेदर फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। यानी जॉइंट वेंचर कब होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए एक साथ आती हैं कोई निश्चित टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा कंपनी कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कोई निश्चित टाइम के लिए एक साथ आती हैं तो वो जॉइंट वेंचर कहलाते हैं। जॉइंट वेंचर इज ए विन विन कोलेब्रेशन बिटवीन टू और मोर कंपनीज शेयरिंग रिसोर्सेज टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स एंड अचीव गोल्स। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, विन विन कोलेब्रेशन यानी दो बिटवीन टू और मोर कंपनीज, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज के बीच में एक कोलेब्रेशन होता है, यानी उसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है, वो मर्ज होती हैं किसी खास प्रोजेक्ट या किसी खास गोल के लिए जो दोनों का कॉमन हो, कॉमन गोल के लिए वो क्या करते हैं, कोलेब्रेशन करते हैं और उसके अंदर वो अपने रिसोर्स का शेयरिंग करते हैं। वो अपना रिसोर्स उसको देता है, वो उसको एक कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। अब ये अपना रिसोर्स देता है, वो अपना रिसोर्स देता है और वो एक कंपनी बना देते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड ए स्ट्रेटेजिक अलायंस और पार्टनरिंग, पार्टनर होता है ना, पार्टनरिंग एज वेल, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कहलाते हैं और पार्टनरिंग एज वेल भी, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर क्या है, दो या दो से ज़्यादा जो कंपनी है वो एक साथ कोई निश्चित टाइम पीरियड के लिए कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कोलेब्रेशन करती हैं तो वो कहलाता है जॉइंट वेंचर, ठीक है। अब इसमें ये क्यों करते हैं कि मान लो कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, उसका टेंडर किसी एक कंपनी को नहीं मिल सकता, अगर उसके पास इतने रिसोर्स नहीं है तो वो दो या दो से ज़्यादा कंपनी अपने अपने रिसोर्स को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी जिसको कहेंगे जॉइंट वेंचर जेवी, और उसके पास वो प्रोजेक्ट लेने के लिए रिसोर्स हो जाएंगे क्योंकि दो तीन के मिलके वो रिसोर्स हो जाएंगे। किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास क्या है, मैन पावर है, तो उस ये सारी चीज़ मिलके, वो सब मिलके और वो अपना इतना परसेंट शेयर करेगा, वो इतना परसेंट शेयर करेगा, वो इतना परसेंट, मतलब निश्चित मात्रा में वो अपना अपना परसेंटेज शेयर उस जेबी में डालेंगे। फिर उसका जो भी लाभ या हानियां होंगी या जो भी उस पर खर्चा लगेगा वो जितने परसेंटेज में उनका कोलेब्रेशन हुआ है उस हिसाब से उनका बंटवारा हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपन जॉइंट वेंचर, टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर क्या है। एक है डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर, एक है इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर। डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा जो कंपनी है, दो या दो से ज़्यादा जो कंपनी है वो जो पार्टनरशिप कर रही हैं, जिसने जेवी बनाया है वो सेम नेशनलिटी की हों, यानी एक ही देश की हों, तो वो डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर कहलाता है। और अगर वो अलग अलग देश की हों, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर सेटअप बाई पार्टनर ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज़, अलग अलग नेशनलिटी के जो पार्टनर हैं वो अगर जेवी बनाते हैं तो वो इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर कहलाता है। अब अपन देखेंगे कि जॉइंट वेंचर तो बनाया, उसके लाभ क्या हैं, हानियाँ क्या हैं, किस तरीके से वो काम करता है, बनता है, ठीक है, रिस्क क्या है उसके, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अपन अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर, यानी जॉइंट वेंचर के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग इन जॉइंट वेंचर हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, यानी जो जॉइंट वेंचर के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये
इस तरीके से लाभ होंगे, जो निम्न लाभ उनको होंगे। क्या लाभ हैं? हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंटर इन टू न्यू मार्केट्स और न्यू प्रोडक्ट लाइन्स। ये क्या करेगा? अगर एक कोई कंपनी है उसके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, या उतने पैसे नहीं है, या उतने रिसोर्स, किसी भी टाइप के रिसोर्स नहीं है, तो वो एक नए मार्केट में नहीं घुस सकता, नए मार्केट के प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकता, नए टाइप्स के प्रोजेक्ट वो नहीं कर सकता। जैसे किसी को पावर प्लांट के एक्सपीरियंस है, पावर प्लांट का उसको टेंडर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसने पावर प्लांट का जिस कंपनी ने भी काम किया है उसके पास अगर मशीनरी तो पूरी है लेकिन उसके पास मैन पावर्स नहीं है, तो आप उसके साथ कोलेब्रेशन कर लोगे तो आपको वो काम आप कर पाओगे। तो नए मार्केट में एंटर होने का और नए प्रोडक्ट लाइन का आपको हेल्प मिलती है। दूसरा है एक्सेस टू इंक्रीज रिसोर्सेस एंड इम्प्रूव एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजीज, यानी रिसोर्स जो हैं वो इंक्रीज करने के एक्सेस मिल जाता है आपको। रिसोर्स इंक्रीज कैसे होंगे? कि आपका रिसोर्स, उसका रिसोर्स, उसका रिसोर्स मिलके इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज होने रिसोर्स जो हैं वो इंक्रीज करने के एक्सेस मिल जाता है। और आपकी एक्सपर्टीज मतलब आपकी जो एक्सपर्टाइज वैल्यू है कि आपकी कुछ एक्सपर्ट है किसी भी चीज़ में, जो कम वो एक्सपर्टीज भी इम्प्रूव होती है और टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होती है। हेल्प्स टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी विथ ए पर्टिकुलर टारगेट मार्केट बाई चूजिंग ए वेल एस्टेब्लिश्ड एंड क्रेडिबल पार्टनर इन द मार्केट, इन दैट मार्केट। ये क्या, किस में सहायता करता है? कोई भी निश्चित पर्टिकुलर टारगेट है उसको क्रेडिबिलिटी के लिए, उसकी पूरा करने के लिए या उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, उसमें हेल्प मिलती है बाय चूजिंग ए, आप बढ़िया सा चूज करना, यानी चूजिंग ए एस्टेब्लिश्ड और क्रेडिबल पार्टनर इन दैट मार्केट, उस मार्केट का जो क्रेडिबल और एस्टेब्लिश्ड पार्टनर है उसको चूज करके, ठीक है। रिड्यूस रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस ड्यू टू शेयरिंग ऑफ लॉस एंड एक्सपेंसेस। आपके जो रिस्क हैं बिजनेस में, क्या है, रिस्क भी है तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट हो भी सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो रिस्क है, तो रिड्यूस रिस्क क्या होंगे, जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जो वो रिस्क आपके रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैसे? आपने दो तीन पार्टनर हो गए तो वो सब में बढ़ जाएगा, जो भी लॉस होगा या एक्सपेंसेस होंगे वो सब में बढ़ जाएंगे। एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बिजनेस इन केस ऑफ फेलियर इज ईजियर एज कम्पेयर टू स्लोली ओन्ड बिजनेसेस। एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बिजनेस इन केस ऑफ फेलियर इज ईजियर एज कम्पेयर टू स्लोली ओन्ड बिजनेसेस। क्या होगा इसमें? अगर बिजनेस में आप एग्जिस्ट करते रहोगे, अगर आपका बिजनेस फेल की तरफ भी जाता है एज कम्पेयर टू, इसमें जो आपका फेल होने के जो चांस हैं उसके बावजूद आप क्या है, एग्जिस्ट करते रहोगे बिजनेस में एज कम्पेयर टू स्लोली ओन्ड बिजनेस, ठीक है। अगर आपका खुद का जो बिजनेस है आपने अकेले किया है तो वो अगर स्लोली चलता है, स्लो होता है, उसके कंपेयर में अगर जेबी है तो आपको एग्जिस्ट करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पार्टनर्स इन जॉइंट वेंचर गेट प्रेफरेंस इन बाइंग आउट द शेयर्स ऑफ अदर पार्टनर्स एंड टेक ओवर द कंपनी। और क्या रहेगा, पार्टनर जो हैं इन जॉइंट वेंचर के जो पार्टनर हैं वो प्रेफरेंस देते रहेंगे, किसकी प्रेफरेंस, बाइंग आउट द शेयर्स ऑफ अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर के जो शेयर हैं उसको खरीदने में, ठीक है। जो पार्टनर्स हैं जेवी के वो दूसरे पार्टनर के शेयर खरीदने के लिए इंटरेस्ट लेते रहेंगे और कंपनी का ऊपर टेक ओवर लेने के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस क्या हैं? यानी उसकी हानियां,
इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट टू सेटअप ए जॉइंट वेंचर एंड पोज मैनी चैलेंजेस। क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिफ़िकल्ट है, किसके लिए सेटअप, जॉइंट वेंचर सेटअप करने में डिफ़िकल्ट होता है, पोज मैनी चैलेंजेस और कई चैलेंजेस यानी डिफ़िकल्टियाँ चुनौतियाँ आती हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जेवी में नोट भी क्लियर, अगर तो ऑब्जेक्टिव यानी उसका उद्देश्य है जेवी का वो एकदम क्लियर नहीं आता, और अंडरस्टूड बाई आल इफ़ द पार्टनिंग ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट स्टेट एंड कम्युनिकेट देम क्लियरली। ठीक है, उसके जितने भी पार्टनर हैं वो अच्छे से उसको नहीं समझते हैं और एक वो उसको कम्युनिकेट क्लियरली नहीं कर पाते हैं। डिफरेंसेज इन द कल्चर, दो या तीन जो पार्टनर आए उनके कल्चर एंड मैनेजमेंट स्टाइल में डिफरेंसेज होते हैं, हर आदमी के अपने अलग अलग स्टाइल है, अलग कल्चर है, तो क्या होगा, द ऑर्गेनाइजेशन में लीड टू लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बना, जेवी बना, उसमें किसकी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, लैक ऑफ थोरो रिसर्च एंड फिजिबिलिटी स्टडीज इन द बिगनिंग ऑफ द जेवी में लीड टू फेलियर ऑफ द जेवी। अगर स्टार्टिंग में यानी लैक ऑफ थोरो रिसर्च एंड फिजिबिलिटी स्टडीज, अगर प्रॉपर रिसर्च नहीं किया, खोजबीन सही से नहीं की, पार्टनर ढंग से नहीं ढूंढा, फिजिबिलिटी स्टडीज नहीं की भाई जेवी की ज़रूरत भी है या नहीं है, ये फिजिबल होगा या नहीं होगा, फिजिबिलिटी स्टडीज अच्छे से नहीं की, तो क्या होगा, जेवी जो बनाया आपने वो फेलियर होने के चांस बढ़ जाएंगे। द इंडिविजुअल पार्टनर में नॉट ट्रीट द जेवी एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर बिजनेस एंड मे लीड टू लैक ऑफ अटेंशन बींग गिवन टू द जेवी। जो इंडिविजुअल पार्टनर है उसका जो कोई भी अलग अलग जो पार्टनर हैं उसके, वो मे नॉट ट्रीट द जेवी, वो ट्रीट को जेवी की तरह, वो जेवी को क्या है, जॉइंट वेंचर को अपने खुद की कंपनी की तरह उसको ट्रीट करेंगे, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर बिजनेस एंड मे लीड टू लैक ऑफ अटेंशन बींग गिवन टू द जेवी, और किसकी तरफ, खुद की कंपनी की तरह वो क्या करेंगे, उसको ये नहीं सोचेंगे कि अपनी कंपनी है ना, उसमें अभी वो देख लेगा, उसके जो जेवी का ये है कि वो ठीक है लॉस अपने को अकेले कोई थोड़ी होगा, तो इससे क्या है कि उस पर अटेंशन कम दिया जाएगा। देर कैन बी एन इम्बैलेंस इन लेवल्स ऑफ एक्सपर्टीज, अगर एक्सपर्टीज के लेवल में इम्बैलेंस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट असेट्स ब्राउट इन टू द वेंचर बाई द पार्टनर्स, जो इन्वेस्टमेंट किया है पार्टनर्स ने उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो इन सब के कारण इम्बैलेंस पैदा होगा, तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं। अब आपका है कि जेवी बनता कैसे है, सेटअप कैसे होगा जेवी का, तो सबसे पहले तो प्लानिंग होगी कि आपको जेवी बनानी है, फिर बनानी क्यों है, ठीक है, तो फिर आपकी प्लानिंग होगी, फिर पार्टनर सर्च, फिर उसके लिए आपको जेवी के लिए पार्टनर चाहिए तो पार्टनर्स की खोजबीन होगी, फिर फिजिबिलिटी स्टडी होगी, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद इनकॉर्पोरेशन यानी एक एग्रीमेंट होगा और एक नई कंपनी जेवी जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन कोई भी वो बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है इम्पोर्टेंट क्लोज ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर के इम्पोर्टेंट क्लोज क्या हैं, मुख्य बिंदुज क्या हैं, वो इस तरीके से हैं कि द प्रपोर्सन ऑफ शेयर होल्डिंग इन द जॉइंट वेंचर कंपनी, कि जॉइंट वेंचर कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर यानी जितने उसके पार्टनर हैं उनके बीच में प्रपोर्सनल क्या होगा शेयरिंग का, यानी उसका जो बंटवारा होगा कि हमने इस तरीके से इसमें पैसा लगाना है, वो किस किस रेशियो से लगाएंगे, कौन कितना पैसा लगाएगा, कोई 30 रुपये लगा रहा है, कोई 50 रुपये लगा रहा है, कोई 20 रुपये लगा रहा है, तो वो जो रेशियो है यानी प्रपोर्शन है वो किस हिसाब से होना चाहिए। स्पेसिफाई नेचर ऑफ शेयर, शेयर का नेचर कैसा होना चाहिए जो शेयर कर रहे हो, कि भाई आप मैन पावर दोगे, टेक्नोलॉजी दोगे, ठीक है, तो स्पेसिफाई नेचर ऑफ शेयर इंडिकेट देयर ट्रांसफरेबिलिटी है ना, और उनकी क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी उसको मिलेगी, इसके रिसोर्सेस उसको मिलेंगे, ठीक है, तो उनका ट्रांसफरेबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाएगा, वो जो नई कंपनी बना दी ना, दोनों से कुछ मिला के शेयर बना के एक नई कंपनी बनाई जो जेवी क्या है, एक कोई भी स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नई कंपनी बनाई दो या तीन लोगों ने मिलके, दो या तीन कंपनियों ने मिलके,
तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, कोरम बोर्ड की मीटिंग कैसे होंगी, कौन कौन उस कोरम बोर्ड मीटिंग के सदस्य होंगे, कास्टिंग वोट, उसमें वोट कौन कौन कास्ट कर सकता है उस मीटिंग में, तो ये सारे चीज़ें होंगी। फिर जनरल मीटिंग होंगी, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओज और एमडीज, सीईओ और एमडी का अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी, इम्पोर्टेंट डिसीजन विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, इम्पोर्टेंट मुख्य डिसीजंस होंगे किस के बीच में जो पार्टनर्स हैं, ठीक है। डिवाइडेंड पॉलिसी, शेयर जो शेयर होल्डर हैं उसको डिविडेंड क्या दिया जाएगा, फंडिंग प्रोविजंस, फंड कहाँ से आएगा, कैसे मतलब पैसा देना है या किससे लोन लेना है या कहाँ से क्या उठाना है, फंडिंग पॉलिसी क्या होगी, एक्सेस कंडीशंस क्या होंगी, चेंज ऑफ कंट्रोल, एग्जिट क्लोज, ये सब क्या होंगे, एंटी कंपीट क्लोज, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इमीडिएट क्लोज, असाइनमेंट, ब्रेकअप, ब्रेक ऑफ डेड लॉक, अगर दोनों के बीच में कुछ डेड लॉक बनता है तो उसको कैसे तोड़ा जाएगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर जो जेबी में दो तीन पार्टनर है बीच में डिस्प्यूट हुआ किसी में, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे होगा, डिस्प्यूट का निपटारा कैसे होगा, एप्लीकेशन ऑफ लॉज, आपने जो लॉ बनाए वो अप्लाई कैसे होंगे, फोर्स मेजर्स, टर्मिनेशन प्रोविजंस, और अगर इसको जो भी आपका उद्देश्य था वो ख़त्म होने के बाद टर्मिनेट इस कंपनी को कैसे कर दोगे, टर्मिनेशन प्रोविजंस क्या होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्लोज थे इसके। अब कुछ मैं जेवी के एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जो सक्सेसफुल जेवी, सक्सेसफुल जेवी जो हैं, जैसे वोल्वो आइसर, वोल्वो आइसर, वोल्वो एक कंपनी है, आइसर एक कंपनी है, और एक जेवी बनाया इन्होंने मिलके, वोल्वो आइसर एक नई कंपनी, ठीक है। टाटा डोकोमो, टाटा थी डोकोमो थी, दोनों ने मिलके जेवी बनाया और वो उस कंपनी का नाम है टाटा डोकोमो, ये सक्सेसफुल चल रही है अभी, ठीक है। फेल हो गए जो जॉइंट वेंचर क्या है, जैसे यामा एस्कोर्ट, जेवी बना था, अब यामा ने अपना अलग कर लिया, एस्कोर्ट ने अलग कर लिया, ठीक है। जेवी इज लीडिंग टू टेक ओवर बाई वन पार्टनर, जॉइंट वेंचर तो बना लेकिन उसको किसी एक पार्टनर ने खरीद लिया, टेक ओवर बाई वन पार्टनर, एक पार्टनर ने उसको टेक ओवर कर लिया, जैसे हीरो होंडा, हीरो कंपनी है एक इंडिया की, होंडा है जापान की, और ये इंडिया के अंदर जो हीरो होंडा का जो ये था जेवी था उसको हीरो ग्रुप ने टेक ओवर ले लिया, खरीद लिया उसको, ठीक है। अब क्या उसका नाम हो गया हीरो। वर्जिन टाटा, टेक ओवर बाई टाटा, ये वर्जिन और टाटा ने मिलके जेवी बनाया, अब उसको टाटा ने टेक ओवर कर लिया। तो ये जेवी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ेंगे बीओटी प्रोजेक्ट्स, बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र इज ए फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट। बीओटी में क्या होता है, इज ए फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वेयर इन ए प्राइवेट एंटिटी रिसीव ए कंसेशन फ्रॉम द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर टू फाइनेंस, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट ए फैसिलिटी स्टार्टेड इन द कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट। दिस एनेबल्स द प्रोजेक्ट प्रोमिनेंट टू रिसीव इट्स इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सप्रेस इन द प्रोजेक्ट। क्या है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट में जो है वो फाइनेंस किया जाएगा, कहाँ पे, प्राइवेट एंटिटी के द्वारा, कोई भी कंसेशन फ्रॉम द प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर से, ठीक है, कहाँ से, या तो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर फाइनेंस जो है उससे, और डिजाइन की जाएगी, प्राइवेट सेक्टर है वो उसको डिजाइन करेगा, उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, डिजाइन करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, और उसको डिजाइन करेगा और बनाएगा और उसको चलाएगा, ठीक है। किसके लिए, फैसिलिटी स्टेट इन ए कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अंदर जो फैसिलिटी स्टेट की हुई है, लिखी हुई है, उस फैसिलिटी को वो बनाएगा, डिजाइन करेगा और उसको चलाएगा, और उस चलाने के बाद क्या करेगा, वो उसका जो भी इन्वेस्टमेंट उसने लगाया उस इन्वेस्टमेंट को वो उससे फीस वसूल करके पूरा करेगा, और उसके बाद में वो प्रोजेक्ट को जो भी उसका असली मालिक है, गवर्नमेंट जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, उसको वो ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो ड्यू टू लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ द अरेंजमेंट, ये लंबे टाइम, लॉन्ग टर्म नेचर का यानी लंबे टाइम तक चलने वाला एक अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे रोड बना दिया,
अब आपके टोल देखे होंगे BOT टाइप के होते हैं, कैसे कोई कंपनी ठेका ले लेती है, वही रोड बनाती है और फिर वो उससे टोल वसूल करती है, यानी उसने बनाया और उस जो खर्चा लगा उसने उससे कमाया और फिर उसने उस गवर्नमेंट को अपना खर्चा पूरा, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 साल का 10 साल का, तब तक वो टोल वसूल करती है, उसके बाद उसको टोल को छोड़ देती है, गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट लौटा देती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म नेचर के प्रोजेक्ट ने द फी आर यूजुअली रेज ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड, जो आपको कंसेशन पीरियड दिया गया है कि 5 साल का 2 साल का जो भी आपके से लिखित एग्रीमेंट हुआ है उसमें वो फीस वसूलेगा। ठीक है, द रेट ऑफ इंक्रीज इज ऑफन टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स, और जो रेट हैं वो इंक्रीज होती हैं, तो ये क्या है, किसके कॉम्बिनेशन से, इंटरनल और एक्सटर्नल वेरिएबल्स होंगे, अलाउिंग द प्रोपोनेंट टू रीच ए सेटिस्फैक्ट्री इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या करेगा, जो रेट जिस रेशियो में इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी वेरिएबल हैं उसके कारण रेट इंक्रीज होंगी, तो उसके कारण वो आपका फी है उसको उस कंपोनेंट उस रेशियो में प्रोपोर्शनल में वो बढ़ाएगा, और जहाँ तक उसका इन्वेस्टमेंट किया वो सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न हो जाए उसको। ठीक है, तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। ठीक है, BOT प्रोजेक्ट क्या होते हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। डेफिनेशन देखो आप BOT की, बिल्ड, बिल्ड यानी सेटअप द फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी फैसिलिटी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, यानी बिल्डिंग बना के दिया या आपका रोड बना के दिया या रेलवे ट्रैक बना के दिया, कुछ भी बना के दिया, तो वो क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, स्टाफ द डेवलपमेंट सेंटर, और डेवलपमेंट सेंटर पे स्टाफ उसने रिक्रूट किया, उसने डेप्यूट किया, एंड एस्टेब्लिश नॉलेज ट्रांसफ़र, और नॉलेज ट्रांसफ़र को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब क्या होगा, यानी उसने क्या किया, डिजाइन किया और कोई भी प्रोजेक्ट जो उसको कॉन्ट्रैक्ट में था वो उसने बनाया, बिल्ड का मतलब इतना है। ऑपरेट क्या है कि उसको चलाया, कि जैसे रोड बना दी, अब उसको उसके ऊपर 10 साल तक वो चला रहा है, तो ऑपरेट कर रहा है उसका सिस्टम को, तो क्या कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट लगाया उसको रिटर्न ले रहा है। मैनेज द ऑफशोर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफशोर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया उसने, प्रोग्राम मैनेजमेंट और डेवलपमेंट, QA, मेंटेनेंस, एनहेंसमेंट एंड प्रोडक्ट सपोर्ट, उसका मेंटेनेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, डेवलपमेंट, जो भी करना है 10 साल तक वो उस रोड का करेगा और उससे टोल वसूल करेगा। ठीक है, तो ये रोड की नहीं है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो गया उससे अपना रिटर्न वसूल करेगा। ट्रांसफ़र इसके बाद क्या है, रजिस्टर ये न्यू ऑफशोर सब्सिडरी, न्यू ऑफशोर सब्सिडरी रजिस्टर करेगा फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए, और ट्रांसफ़र असेट्स एंड हैंडओवर ऑपरेशंस, जो असेट था, असेट मतलब कोई भी संपत्ति, उसने रोड बनाई तो रोड संपत्ति होगी। ठीक है, और ऑपरेशन मतलब उस पर जो भी यातायात चल रहा है और उसके थ्रू जो वो अर्न हो रहा है कुछ भी, ठीक है, तो वो उसका ऑपरेशन हो गया, तो उस वो जो असेट था वो ट्रांसफ़र कर देगा और ऑपरेशन को भी हैंडओवर कर देगा। ठीक है, BOT के बेनिफिट्स क्या हैं, BOT ऑफर्स अट्रैक्टिव बिजनेस, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को बनाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है या बनाने में टाइम लगता है, तो आजकल क्या है, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उसके थ्रू उनको दे देती है, ये आप करो, इससे इसका जो भी बेनिफिट्स आए वो 5 साल तक किया, आपका जो इन्वेस्टमेंट किया वो आप वसूलो, फिर आप गवर्नमेंट को वापस दे दो, इस तरीके से काम कर रही हैं। तो BOT ऑफर्स अट्रैक्टिव बिजनेस बेनिफिट ओवर द ट्रेडिशनल ऑफशोर सब्सिडरी पाथ, इंक्लूडिंग रैपिड स्केलिंग ऑफ ऑपरेशंस, वाइडर सर्विस ऑफरिंग, क्विकली फिलिंग बिजनेस मॉडल गैप्स, ठीक है, लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कॉस्ट, पार्टी मैनेजमेंट रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रियल एस्टेट, ये ज़्यादातर कहाँ होता है, रियल एस्टेट है, गवर्नमेंट रूल एंड पार्टी मैनेजमेंट रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल, इसमें क्या है, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशन, कल्चरल ट्रांजिशन, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी, इन सब में ये BOT आसानी से लागू हो रहा है।
BOT प्रोजेक्ट क्या है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र आपको बता दिया, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ कि कैसे उसको बनाना है, कंसेशन आपका एग्रीमेंट होगा, फिर वो कितने टाइम के लिए है, उस टाइम पीरियड में उसको संचालन करेगा, उससे अपना रिटर्न वापस लेगा और फिर क्या कर देगा, वापस ट्रांसफ़र कर देगा पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट को। ठीक है, इसमें कुछ रिस्क हैं, तो रिस्क कैसे हैं, पॉलिटिकल रिस्क हैं, वेरियस रिस्क, रिस्क जो आएंगे BOT, जैसे मान लो आपने बनाया, किसी कंपनी ने लिया, ठीक है, BOT के लिए कंसेशन लिया, तो उसके लिए पॉलिटिकल रिस्क है, टेक्निकल रिस्क है और फिनेंसिंग रिस्क है। यानी पॉलिटिकल में क्या है, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रामेटिक ओवरनाइट पॉलिटिकल चेंज, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे ओवरनाइट कुछ भी पॉलिटिक्स में चेंज हो जाता है, फिर वो फैसले बदल देता है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिटिकल रिस्क हो गया। टेक्निकल रिस्क क्या है, कंस्ट्रक्शन डिफ़िकल्टीज हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ अनफोर्सीन सोइल कंडीशंस, जो आप रोड बनाने जा रहे हो या कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, वहाँ पे आपको दिख कुछ नहीं रहा था, अब आप खोदने लगे तो वहाँ तो मिट्टी ऐसी है कि उसमें बहुत खर्चा लगेगा आपका। अनफोर्सीन सोइल कंडीशंस है, ब्रेक डाउन ऑफ इक्विपमेंट, आपका इक्विपमेंट जो है वो ख़राब हो गया, तो ये इस तरीके की टेक्निकल रिस्क आ सकती है। फिनेंसिंग रिस्क क्या है कि आपने इन्वेस्ट किया, उतना इन्वेस्ट आपको वापस मिला नहीं रिटर्न। फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क और इंटरेस्ट रेट, फंक्शनल फ्लक्चुएशंस, मार्केट रिस्क, चेंज इन द, यानी क्या क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, यानी जो जो आपने जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, उसकी फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो गई, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट कर रही है, मार्केट की रिस्क है, चेंज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे आप जब लिया कि ये मैं करूँगा, ठीक है, 5 साल का एग्रीमेंट कर लिया, अब आप कि जो जिस चीज़ से आप प्रोजेक्ट बनाओगे, रॉ मटेरियल है, उनकी रेट इतनी हाई होगी कि आपका एग्रीमेंट हुआ था कि आप 5 साल में संचालन करके वापस लौटा दोगे, और 5 साल में तो आपका रिटर्न आया ही नहीं। ठीक है, तो ये फिनेंसिंग रिस्क हो गई। ठीक है, तो ये आपका जॉइंट वेंचर एंड BOT प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का, वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।